भैंस किसी लिए गाइस पकड़ लो लड़की ने जो मेकअप होता हुआ ना पूछो मत भाई। क्या हो गया हेलो गाइस वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइस क्या हाल है सभी के होप्स आप सभी ठीक ही होंगे। तो गाइस आ गए एक और वीडियो लेके, तो गाइस पूरा देखना। और इस आज की वीडियो में गाइस हम देखेंगे आज हम कितने ऑर्डर मारते हैं और लास्ट में मैं बताऊंगा मैंने आज कितनी अर्निंग करी। भाई वैसे तो मैंने लॉगिन बहुत पहले कर दिया था क्योंकि मैं ISBT किया हुआ था, तो मैं जब घर से निकला था तो 7:05 थे तो मैंने तभी लॉगिन कर दिया था। और मैं ISBT से होके भी आ गया, तब तक मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया। अगर ऑर्डर आता तो मैंने सोचा था कि छोड़ते हुए चलेंगे और ISBT पे अपना काम भी निपटा लेंगे। गाइस अभी तक ऑर्डर आया नहीं है, अभी मैं जा रहा हूँ अपने वहाँ नेहरू कॉलोनी, तो वहीं चल के वेट करते हैं, देखते हैं ऑर्डर आता है कि नहीं। क्योंकि परसों तो आया नहीं था और कल जरा मुझे कुछ काम था तो मैं कल इसलिए नहीं जा पाया, क्योंकि कुछ काम निपटाने थे पेंडिंग वर्क। पूरे 10 दिन से डिले हो रहा था क्योंकि मैं इधर ही बिज़ी था रोज़ शाम को निकलने में जोमेटो डिलीवरी करने में। तो गाइस चलो चल रहे हैं अपने जोन में। तो गाइस पहला ऑर्डर रिसीव हो चुका है मेरे को, तो मैं आ गया हूँ लेने, बगल में ही था जहाँ मैं खड़ा था। ऑर्डर होगा हाँ 7394। तो गाइस पहले ऑर्डर उठा लिया और ये पिज़्ज़ा है और इसको मैं देने जाना है मोथरा वाला। इतना मैंने मैप में देखा है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा हुआ रिस्पना पुल से, तो रिस्पना पुल से होते हुए जाने का विचार था मेरा, बट दूसरा ऑप्शन मुझे बहुत लंबा पड़ेगा। चलो कोई नहीं ट्रैफिक से है तो गुजर लेंगे ट्रैफिक से ही। भाई बड़ा ही घना ट्रैफिक है यार, कैसे अभी तक मैं रिस्पना पुल पर ही हूँ, देखो यहीं खड़े ही पहुँचा हुआ देर से। ये बड़ा अतरंगी जगह लेकर आया है मेरे को, मगर लोकेशन पे तो पहुंच गया पर जिस तरीके से आया हूँ ना मेन रोड, देखो मेन रोड छोड़ के गूगल मैप मुझे ये लेकर आया। बाप रे बाप, पता नहीं क्या स्यापे हैं मैप के भी। चलो कॉल करते हैं इस भाई को। भैया चर्च कहाँ हो गया? भाई आज जिस पहले ऑर्डर में ना इतना समय लग गया ना, इतना समय पूछो मत भाई, 1 घंटे में एक ऑर्डर। वाओ पहले तो ट्रैफिक के बाद भाई जी ने समय लगा दिया, अभी किधर से आएंगे ये तो ये भी नहीं पता। मेरे खड़े होते ही से कौन सा भूत चमक गया। पैगट किधर है यार? गाइस एक ऑर्डर मारने में ही फट्टे 4 हो गए यार, आज क्या ही होगा, 8:30 हो चुके हैं और एक ही ऑर्डर मारा है अब तक। एक और घंटे तो ही ऑर्डर खा गया ट्रैफिक, ऊपर से वहाँ ऑर्डर तो खैर जल्दी मिल गया था पर आने में, और ये भाई ने जो घुमवाया ना आगे पीछे ऊपर तक फ़ोन पे फ़ोन, एक पार्टी से दूसरी पार्टी फ़ोन, भाई फट्टे 4 है। तो गाइस दूसरा ऑर्डर आ चुका है, मैं बैठा था, दोस्त ने नई दुकान खोली है यहाँ पर पार्टनरशिप में, तो मैं ही बैठ गया था 5 मिनट, मैंने थोड़ा सा चाय वाय टेस्ट करी, चाय का टेस्ट तो बढ़िया था। बाकी अभी चलो चलते हैं अपने सेकंड ऑर्डर पे, अपने को जाना है अभी उधर धर्मपुर और फिर देखते हैं ऑर्डर कहाँ का है। तो गाइस मैं पहुँच गया सेकंड ऑर्डर के लेने की लोकेशन पे, चलो इसे उठाते हैं और निकलते हैं। तो गाइस इसको छोड़ना है मियाँ वाला में सेंट तारा अकेडमी के पास, इसमें है बटर नान रोटी सब्जी बहुत कुछ। और चलो गाइस अभी निकलते हैं मियाँ वाला, अपने को जाना है मियाँ वाला। अरे भाई आज भी हुआ क्या है, देहरादून में रात के 9 बज गए हैं, इतना ट्रैफिक, बाप रे बाप, जहाँ जाओ ट्रैफिक, ऊपर से शादियाँ बहुत हैं उस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा। गाइस देख रहे हो हैवी ड्राइवर, स्विगी की शर्ट, जोमेटो, वो मल्टी टैलेंटेड लौंडा, मल्टी टैलेंटेड, तो ये डबल डबल काम सही है, कुछ भी बोलो, बैग जोमेटो का, टी शर्ट स्विगी की। भाई और भाई पूरा जोगी जोगी वाला तक जाम लगा पड़ा है यार, फट्टे 4 है आज तो, और जैसा क्या हो रखा जो इतना जाम हो रखा भाई। तो हमारे पास स्कूटी है फिर भी निकले जा रहे, तो देख रहे हो बॉयज, अरे तेरी भैंस की सिली, ये रिस्पना पुल से जाम लगा पड़ा है, रिस्पना पुल से जोगी वाला तक, अरे तेरी भैंस किसी लिए गाइस पकड़ लो लड़की ने जो मेकअप होता हुआ ना पूछो मत भाई, चेहरा पूरा सफ़ेद हो रहा उसका। तो गाइस मियाँ वाला चौक तो मैं पहुंच गया, खैर अब यहाँ से लेफ्ट लेते हैं, अंदर चलते हैं, लोकेशन पे तो आ गया हूँ, फ़ोन करते हैं इन्हें। सर आपका फूड, मोस्ट वेलकम। तो गाइस सेकंड ऑर्डर डिलीवर कर दिया है हमने, चलो चलते हैं भैया नेहरू कॉलोनी वापसी, मैं आऊँ ये मियाँ वाला सेंट तारा अकेडमी के पास, क्योंकि यहाँ से कभी वापसी का ऑर्डर कभी नहीं आया है, तो अपने को जाना पड़ेगा उधर की तरफ ही अपने जोन में अपने एरिया में। चलो गाइस चलते हैं वहीं पे। तो दोस्तों हमें 3rd ऑर्डर आ गया है और ये पास का ही है, तो चलो 3rd ऑर्डर उठाते हैं और उसे देने चलते हैं, बस यहीं से उठाना है हमें 3rd ऑर्डर और फिर निकलते हैं यहाँ से। भैया एक ऑर्डर होगा तो गाइस खाना हमने ले लिया है, चलो उसको डिलीवर मारते हैं।
तुझे नीचे दिखा रहा है यहाँ। अरे तेरी, ये कौन सी गलियाँ हैं? मैं तो रास्ता बंद दिखा रहा शायद। अच्छा इधर जाना है, पता नहीं कौन सा गली है यार ये, पहली बार आया मैं इधर यार। दो ढाई तीन किलोमीटर जितना भी है ना, सीधा सीधा हो ना रास्ता, समझ में आता ही है घूमने फिर। अरे यार इसकी भैंस की सीले यहीं निकालना था तो मुझे पहले बोलता, मैं पल्ली वाली रोड पकड़ के आया आ जाता यार। ये रास्ता तो मुझे पता है, हाथ धोती है यार। गूगल मैप भी क्या बोलूँ मैं अब, मिक्स चाट आला। यो पहुँच गया मैं। हेलो सर, जोमेटो से बोल रहा हूँ, मैं आपकी लोकेशन पे आ गया था। हाँ जी, आप बगोदर ढलान पे आ गए हो? अब मैं ढलान से नीचे आ गया। मैं राइट साइड, हाँ ये राइट साइड वाइट लगा करो। हाँ भाई मैं। अच्छा गाइस, तीसरा ऑर्डर भी हमने दे दिया है, चौथे का वेट करते हैं। ये वो रास्ता तो मुझे पता ही नहीं, इधर से चलते हैं भाई। अच्छा क्या हो गया? अरे भैंस की सीली, अंकल तो बड़े ही नमूना निकले, क्या करना चाह रहे थे समझ तो मेरे को भी नहीं आया। तो गाइस रात के बज गए 11, मेरी हो गई शिफ्ट ख़त्म। तो गाइस मैं जा रहा हूँ घर, और आज मैंने पूरे 4 घंटे में ऑर्डर मारे ओनली 3, और 3 ऑर्डर मैंने कमाई किया 150 रुपये। और गाइस गाड़ी चला दी होगी मैंने 50, मतलब 1 लीटर तेल है ना, 90 रुपये तक का तेल लग गया, बचे गया 50-60 रुपये। चलो कोई बात नहीं गाइस, तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।